नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। खंडवा लोकसभा के हमारे लाडले सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी आज हमारे साथ में उपस्थित है। सर, तीन कानून बिल मोदी जी ने वापस लिया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने किसानों के हित में किसानों की आवाज़ सुनी और आपने जो कृषि बिल कानून लागू किया था वो किसानों के हित में ही लागू किया था। लेकिन हो सकता है कि हम लोगों की कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, किसानों को समझाने में हम सफल नहीं हो पाए या किसान हमारी बात नहीं समझ पाए और किसानों को ऐसा लगा होगा कि ये कानून वापस लेने में ही हमारी भलाई है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसानों की बात को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में इस कानून को वापस लिया है। मैं किसानों को भी बधाई देता हूँ कि आपने जो चाहा वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, यहाँ पर आप जो सर्वे करने के लिए आए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा बैठने की चर्चा चल रही है, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी और माँ सावित्रीबाई फूले जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होने को लगभग 4 साल हो जाना था। ये 4 साल से स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन हमारे महापुरुषों की प्रतिमा धूल न खाए इसके लिए आज हमने आकर यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों के साथ में इसका मुआयना किया है। इसका सौंदर्यीकरण जल्द से जल्द हो और हमारे महापुरुषों की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित होगी, लगेगी, तो निश्चित रूप से आने जाने वाले व्यक्तियों को इससे कुछ न कुछ प्रेरणा मिलेगी और हम महापुरुषों के द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलने का काम करते रहेंगे। सर, कब तक हो जाएगा? आज आए, अभी हमने ठेकेदार भी आ ही रहे और बहुत जल्द इसका काम, मतलब स्ट्रक्चर तो खड़ा हो ही गया है, सौंदर्यीकरण का काम भी बहुत जल्दी चालू हो रहा है और प्रतिमा भी 1-2 दिन के अंदर लगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में काशीनाथ महाजन जी है। सर, आप काफ़ी दिनों से माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले की प्रतिमा की मांग कर रहे थे, क्या कहना चाहोगे? भी आज तो खुशी की बात है कि महात्माओं के ऐसा ही आप मूर्ति स्थापना होगी, उससे पूरे शहर को प्रेरणा मिलेगी और उसके पद चिन्हों पर चलने की हम अगर थोड़ी भी कोशिश करें तो हमारा समाज तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। हम चाहते हैं कि हमारे ऐसी मूर्ति स्थापित हो जिससे कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रयास करें। ये थे हमारे साथ में काशीनाथ महाजन जी और सांसद महोदय ज्ञानेश्वर पाटिल, क्योंकि अभी निर्वाचित हुए हैं और ऐसा क्योंकि अब जो भी समस्या है या जो भी जमीनी हित मुद्दे हैं लोगों के, वो तत्काल उस समस्या के निराकरण के लिए तत्काल प्रभाव से काम करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं ज्ञानेश्वर पाटिल जी। मैं अनिल सोले, कैमरामैन संतोष पाटिल के साथ में, देखते रहे जनमत आवाज।